श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय छे। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद षष्ठ अध्याय। ऋषभदेव जी का देहत्याग। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, योगरूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से जिनके रागादि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को दैववश यदि स्वयं ही अनिमादी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेषादि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार हो नहीं सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथी क्रोधादि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है, इस पर कोई बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देहत्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमानाभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोंक, वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात झकझोरे हुए बासों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया। राजन, जिस समय कलियुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कोंक, वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भरहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलियुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलियुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, अहो, सात समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है।
क्योंकि यहाँ के लोग श्रीहरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहो महाराज प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभावतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहस्य धर्म का आचरण किया। अहो इन जन्मरहित भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। राजन इस प्रकार संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्रचित से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति श्रिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निज्जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक गुरु इष्टदेव सुहृद और कुलपति थे, यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज ही नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त, उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है।